सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका दोबारा से एक नई व्लॉग में। ओ भाई, दिल्ली में हो गया है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन, लाइक बहुत ही ज़्यादा हालत इस वक्त ख़राब हो रखी है दिल्ली में। एंड जो स्कूल्स हैं, पहले तो प्राइमरी स्कूल्स बंद थे, पर अब जो है आगे की भी मतलब क्लासेस के लिए वो हो गए कि 10th तक बच्चे नहीं आया करेंगे स्कूल, क्योंकि 11th 12th का बोर्ड का कुछ चल रहा है तो उनको आना पड़ेगा। इस वजह से कनव जो है उसकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, वो बाहर बैठा है। एंड मैंने उससे पूछा कि मतलब वो ज़्यादा बढ़िया रहता है कि स्कूल जाना या घर पे रहना, कहता स्कूल जाना। मतलब घर पे बैठे बैठा हो रहा है तुम्हारा, तो भाई हमारी जनरेशन उस टाइम तो था नहीं। कहता नहीं, स्कूल जाना ही पसंद है। अच्छा, जब जाना होता तो रोते रहते हो, हम नहीं जाना तो स्कूल जाना है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो अब चलते हैं फटाफट जिम की ओर, जिम जाते हैं और फटाफट फिर घर आते हैं। तो कन्नू ले रहा है अपनी ऑनलाइन क्लास यहाँ पे, और जिम जाने से पहले तैयार है मेरी ब्लैक कॉफ़ी। तो भाई मैं आ गई हूँ घर पे, और ना बहुत थकान हो गई है क्या कि पॉल्यूशन की वजह से भी ना थोड़ा बॉडीज को ना बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से थकान जल्दी हो जाती है, सांस जल्दी फूल जाती है, बस बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है। तो यहाँ आ गया है मेरा अजवाइन और लेमन वाटर। अजवाइन लेमन वाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वेट लॉस के लिए, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। रात को अगर भिगो के रखो और दिन में पी लो तो बहुत ही बढ़िया है। भाई हमारे ट्यूबलाइट के अलग नशे हो गए हैं, या आधी जल रही है और आधी जल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब कर लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। मैं चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लूँ जल्दी ब्रेकफास्ट करने की, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं जल्दी कर लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उत्पम। मैं हमेशा उत्पम उपमा में ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, पर आज उत्पम बना रही हूँ मैं खुद से ही। अगर आपको भी उत्तम बनाना है और थोड़ा आपको नहीं आता इतने अच्छे से बनाना, तो आपको जाना है एनएस किचन पे, वहाँ पे वो अच्छे से बताते हैं कि कैसे बनाना है कैसे। वो एक्चुअली मेरी मॉम का ही चैनल है, एक तरह से आप उसको ज़रूर देखना और ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो भाई हमने बना लिया है अपना उत्तम, और बहुत ही ज़्यादा आज थोड़ी सी आज भी दिक्कत आई, पता नहीं क्या हो गया। मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया था तब तो एकदम बढ़िया तरीके से बना था, पर जब उसके बाद बनाना स्टार्ट किया तब तो इधर उधर आड़ा तिरछा बनता रहता, पता नहीं क्या दिक्कत है। वो तो शेप की तो चलो कोई दिक्कत नहीं, खाना तो है ही, वो खा के तो जो मर्जी हो, बस टेस्ट में अच्छा होना चाहिए ना। है मेरा उत्तम और बढ़िया लग रहा है देखने में भी। मैंने इसके ऊपर ना ऑरिगेनो भी डाल दिया हल्का हल्का। तो भाई खाने में तो बहुत बढ़िया बना है, एकदम स्पाइसी बढ़िया। तो भाई शावर वगैरह लेके हो गए रेडी, बहुत ही ज़्यादा तो एक बज गया नहाते नहाते, पता नहीं क्या ऐसे टाइम बीत जाता है ना, पता ही नहीं लगता। एक तो पोल्यूशन इतना है कि समझ में नहीं आता कि पोल्यूशन हो रहा है या फॉग हो रहा है, ठंड आ गई है नहीं आई है, क्योंकि ठंड का एक संकेत होता था कि हाँ भाई फॉग दिखने लगती थी तो फिर मतलब कि ठंड आ चुकी है। अब तो पता ही नहीं लग रहा क्योंकि पोल्यूशन का धुआँ है या फिर फॉग का धुआँ है, कुछ नहीं। तो भाई 2 बज गए हैं, लंच तैयार है हमारा, दही एंड मिक्स दाल और रोटी है आज लंच में। और तनु कैसे हाल है आपके? सही है। और कैसी रही ऑनलाइन क्लास? अब आप बताओ कि ऑनलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर स्कूल जाना? स्कूल जाना तो बोलते स्कूल नहीं जाना, ऑनलाइन क्लास है तो स्कूल जाना, नहीं आखिर चाहिए क्या? दोनों चीज़ें चाहिए हैं, कभी कभी जब मन ना करे तो ऑनलाइन क्लास हो जाए, जब मन करे तो स्कूल हो जाए। हाँ हाँ। तो भाई मैं एक बात तो बताने ही भूल गई कि उस दिन मैंने बताया था आपको कि मेरी स्कूटी का भी टेस्ट होना है सैटरडे को, क्योंकि फ्राइडे को गाड़ी के टेस्ट में तो मैं क्लियर हो गया था, पर सैटरडे को स्कूटी के टेस्ट में क्या हुआ, तो हुआ ये कि मैं पास हो गई। थोड़ा सा लाइक मुझे मुश्किल सा लगा, उसमें गोल गोल चक्कर थे 3, ऐसे 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 घूम के आना था, तो एक जगह पॉइंट पे लगा कि पैर नीचे नहीं लगना चाहिए, और मेरे को लगा मेरा पैर नीचे लग जाएगा, पर नहीं लगा, मैं बच गई और मेरा वो टेस्ट बहुत जल्दी क्लियर हो गया। सिर्फ 1-2 मिनट लगे, 1 मिनट लगा होगा सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा बस। दिवाली की लाइट्स भी लगा लिया है, इस बार हम बहुत लेट हो गए, वरना हम ना बहुत पहले लगा लेते हैं दिवाली की लाइट्स, पर इस बार बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, कल लगाई है हमने रात को, मैं दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे तो पता नहीं लगेगा, ये देखो ये हमारी लाइट्स हैं। तो भाई अब हो गए हमारी शाम की चाय का टाइम फाइनली, अब पी लेते हैं फटाफट से चाय। अभी हो रहे हैं शाम के 6:15 और मम्मी अभी तक आई नहीं है, लेकिन मम्मी 5:55 तक आ जाती है, और अभी लेट हो गई है तो बताती नहीं है लेट हो जाऊँगी, थोड़ा सा ना अभी टेंशन से हो जाती है क्योंकि दिवाली का भी ऐसे माहौल चल रहा है आपको पता ही है। अब फ़ोन करती हूँ, पता नहीं मम्मी अभी ना यार बहुत केयरलेस हो गई हैं सब चीज़ें। अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है फायर क्रैकर्स पे,
तो यार दिवाली के आसपास ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक साल में एक बार का एक त्यौहार आता है उसमें भी ऐसे करते हैं। बाकी जो चीज़ों की वजह से पॉल्यूशन हो रहा होता है वो चीज़ें निकली दिवाली की, जैसे पॉल्यूशन होने लग जाए यार अब तो बैन की याद आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों की याद आने लग जाती है। ऊपर सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट की बात करते करते सुप्रीम कोर्ट घर पर आ गया, मम्मी आ गई। क्या खा रहे हो? फ्रेंच फ्राई। कैसे बने? अच्छे बने। घर के अच्छे होते फ्रेंच फ्राइज बाहर के? अंदर ये घर के घर के अच्छे बने ना, हेल्दी भी होते हैं, अच्छे ऑयल में बनते हैं, हाइजीनिक होते हैं। तो भाई मैं खा रही हूँ आज डिनर में पोहा। कल भी मैंने एग्स ही खाए थे, संडे को मैंने फ्रूट्स खाए थे, रात को आज पोहा खा रही हूँ। थोड़े टाइम तक मैं एकदम लाइट से लाइट डिनर रखूँगी क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है इसलिए। तो आज मैं डिनर में खा रही हूँ पोहा और ये थोड़ी सी चटनी ली है मैंने सिर्फ चटपटा करने के लिए। ओके जी, तो हमने खा लिया है खाना वाना सब कुछ, बहुत ही बढ़िया बना था पोहा, मज़ा आ गया। हल्का हल्का डिनर करके ना बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम करते हैं अपनी व्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय।